बेसिकली समाज का वो वर्ग जो वंचित है कई सारी चीज़ों से, जैसे जिसको आप कॉमन भाषा में कहेंगे कि पैसे की कमी है या गरीबी है या डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। तो हम उस वर्ग में उस सेक्शन के साथ काम करते हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो उनके विकास का है, उनके अपलिफ्टमेंट का है, ताकि वो एक जीवन स्तर उठ सके और वो एक बेहतर ज़िंदगी जो है जी सके। हमारे समाज में मेंसुरेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, लोग बात ही नहीं करते। जैसे मेंसुरेशन का हवा बना दिया कि आपको पीरियड्स होते हैं, पता नहीं क्या है, क्या आपने अपराध कर दिया है, उसके बाद आप उसको क्राइम को छुपाते रहो, कपड़े को छुपाओ, उसको कहीं चुपके से उसको साफ़ करो, उसको चुपके से उसको धूप में डालो या धूप में ना भी डालो। तो अब क्या है कि आप पीरियड्स होते क्यों, क्योंकि आप औरत हैं, ये प्रकृति है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको अपराध बोध आपको लगे, या आप ऐसी चीज़ भी नहीं कि आप जो है अपवित्र हो गए या कुछ हो गए क्योंकि आपको पीरियड्स हो गए। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चे और महिलाएं हैं, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को एम्पावर करना, उनको सशक्त करना, ख़ास तौर पर इकोनॉमिकली उनको सशक्त करना, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ और एक अच्छे समाज का वो निर्माण कर पाएँ। बच्चे उनका अधिकार है अच्छा जीवन जीना, अच्छी परवरिश उनका अधिकार है, अच्छी शिक्षा उनका अधिकार है, उनकी सुरक्षा उनका अधिकार है। मेरा नाम गुलशन है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता हूँ, हम बनना चाहता है पुलिस। मैं दीपा नाम है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ, हम टीचर बनना चाहते हैं।